Assalamualaikum friends. तो मेरा नाम है अमीर और आप देख रहे हैं गैजेट्स. ओह सॉरी सॉरी, आप देख रहे हैं एएस फिल्म. तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर लिया है. पहले तो मैंने सोचा कि व्लॉग्स जो मैं बनाऊंगा उसका एक सेपरेट चैनल बनाऊंगा, लेकिन फिर मैंने इसी चैनल का नेम चेंज कर दिया और अब व्लॉग्स अनबॉक्सिंग या रिव्यू इसी चैनल, एक मेरा चैनल है जिसका नाम हो गया एएस फिल्म प्रोडक्शन. तो अभी जो सब्स रिव्यू अनबॉक्सिंग या व्लॉग्स होंगे वो एक ही चैनल पर आएंगे. तो आज मेरे पास एक और DARAZ.PK की मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो कि मेरे व्लॉगिंग में मेरी हेल्प करेगा. ये है बोया बाय mm1 माइक है मेरा. तो ये मैं व्लॉगिंग के लिए यूज़ करूँगा. तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका मैं आपको सेटअप. तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं. तो ये रहा मेरा कटर. तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ. ये मेरा माइक जो है बोया बाय mm1 ये अंदर है. ये आप देख सकते हैं और पेपर और तो इसके अंदर यही मिला है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है. इसको कर देते हैं साइड पे और अब इसको अनबॉक्स करते हैं. तो पेपर वर्क तो इसकी कॉस्ट है 3170 rupees. इसको साइड पर करते हैं और अब माइक की तरफ आते हैं. ये माइक है. ये माइक और ये मैनुअल. इसके अंदर और कुछ नहीं है. तो ये तो रहा कनेक्ट करने के लिए. और ये माइक है मेरा. ये रहा माइक. इधर ये इसको लगा के कैमरा के साथ लगाना है. तो ये जो कैमरा के साथ अटैच होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ. और ये मोबाइल फ़ोन इस स्मार्टफोन के लिए, जो स्मार्टफोन के लगाना है तो इसके साथ लगाना है. और ये इसका पाउच. तो यही है कुछ. और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको लगाना कैसे है. तो ये मेरे पास दूसरा DSLR है. इसको इसके ऊपर लगाना है. और ये इसको ऐसे. ये रहा मेरा माइक बोया mm1. तो जो मैं व्लॉगिंग करता हूँ इसके साथ. तो अगर आपको मेरी आज की अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो, ना भी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है. तो अगली वीडियो में हाजिर होंगे जो कि होगा संडे व्लॉग. तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है संडे व्लॉग. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.